साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे भैया वही बातें। पिछले 1 अगस्त से मैं देख रहा हूं कि कंडीशन लोगों के साथ क्या क्रिएट हो रही है, क्या लोग चाहते हैं मुझे नहीं पता इस बात का। और गलती तो मैंने ये कर दी, नंबर वीडियो पे छोड़ दिए, तो अभी वो बंद भी नहीं कर सकता, कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ रही है। तो मैं बता दूं कि आज की कंडीशन ये है कि अगस्त का आज 25 तारीख हो गई, ठीक है। 25 तारीख में एक भी बंदे ने दो बंदों को छोड़ के जिनका उनको पता है, मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, दो बंदों को छोड़ के मुझे किसी ने फीस नहीं दी। जी हाँ साथियों, और इसमें बता दूं मैं कि रोज मेरे पास कम से कम 100 मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज और कॉल। कम से कम 100 मैसेज वो आते हैं जो मेरे से इंक्वायरी लेना चाहते हैं, सर मेरी हेल्प करो, ठीक है सर मेरा मार्गदर्शन करो, ताकि हमारे साथ कोई चीटिंग कोई धोखा नहीं हो, सर मुझे वीजा चेक करवाना, सर मुझे इमिग्रेशन के बारे में इंक्वायरी लेनी, सर मेरे पासपोर्ट फंसा हुआ एजेंट के पास में, सर अच्छी ऑफिस का एड्रेस बताओ, सर इस कंट्री में इस वीजा का कितना खर्चा आएगा, सर मेडिकल, सर अच्छे एजेंट का कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह वगैरह। इतनी ज्यादा इंक्वायरी आती है और उनको रिप्लाई नहीं दो तो वो नाराज। दो मैसेज कर दिए मैंने, रिप्लाई नहीं दिया, सर आप तो रिप्लाई नहीं देते, सर आप ये नहीं करते, सर आप वो नहीं करते, आपने नंबर क्यों छोड़ा, मतलब मेरे ऊपर ऐसा एहसान करते हैं कि अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं दूं तो बहुत बड़ा मुझे लॉस हो जाएगा, ठीक है भाई, नहीं तो मैं कस्टमर केयर पे बैठा हूं, ठीक है, नहीं इमिग्रेशन में बैठा हूं, ठीक है। मेरे पास जो नॉलेज है आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, अगर मेरे से आप इंक्वायरी लेके आपको फायदा होता है, और विदेश जाने का मतलब ये होता है साथियों, लाख रुपए मिनिमम, कोई भी कंट्री चले जाओ लाख रुपए का सौदा होता है सीधा सीधा। अगर लाख रुपए यार आपसे बच रहे, आप कंडीशन देखिए क्या होता है, आपके पास वीजा आया, आपने मुझे वीजा सेंड किया, सर वीजा चेक करो, कुवैत की बात करते हैं, सर कुवैत का वीजा चेक करके दो, मैं बोलता हूँ भैया कितने पैसे में जा रहे हो, सर 1,10,000 में देके जा रहा हूँ। अब वो आदमी सोचिए, मैं बोलूँ भाई ठीक है अब मैं वीजा चेक करूंगा, आपको सिस्टम पूरा चेक करके दूंगा, कंपनी वगैरह सब बोर्ड भी बता दूंगा मैं, लेकिन इसकी बदले मेरी एडवाइस फीस 500 रुपए है वो आपको देनी पड़ेगी। 500 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है, 1,10,000 उसके लिए जीरो है, 1 रुपए का बराबर है, 500 रुपए उसके लिए ज्यादा है। कंडीशन ये होती है कि वो बंदा दोबारा कॉल नहीं करता, चाहे वो वीजा नकली हो, चाहे एजेंट ने उसको दुगुनी सैलरी बता रखी हो, चाहे एजेंट उसको झूठ बोल के भेज रहा हो, वो उसको एक्सेप्ट है, वो उसको मान लेगा, लेकिन मेरे 500 रुपए उसको नहीं दे पाएगा। अभी 4 दिन पहले एक कतर के एक बंदे ने 4 वीजा भेजे, सर मलेशिया जा रहे हैं विजिट वीजा में, उसने वीजा चेक किया विजिट है, वो बोलता है सर ये एजेंट ने बोला ये परमिट वीजा है। मैंने बोला भाई ये फीस दो, मैं आपका ये काम पूरा इंक्वायरी आगे यहां से लेके वहां तक पूरी आपको बाय डाटा दे दूंगा। 500 रुपए फीस मांगते ही दोबारा कॉल नहीं आया। यानी सच्चाई ये है कि पर डे मेरे पास 100 मैसेज आते हैं, 1 महीने के 3,000 मैसेज हो गए, ठीक है। जैसे उनको 500 का मैसेज, जो वीडियो भाई देख रहे हैं उनको पता है इस बात का, ठीक है, जो आदमी मेरा नंबर सेव करता है व्हाट्सएप पे, फिर व्हाट्सएप पे निकालता है, ठीक है, फिर उस पे मैसेज टाइप करता है, तो उसके माइंड में बात फिट बैठ होती है, उसको वो मुझे याद करता है। अब वो मैसेज करता है, मैं उसको मैसेज करता हूँ सर फीस के लिए कि आपकी ये इंक्वायरी मैं सॉल्व करूंगा, आप मेरे बदले में मुझे एडवाइस फीस दीजिए। तो पर डे के 100 मैसेज मैं करता हूँ लोगों को, आपके हिसाब से कितनी फीस आनी चाहिए यार? 100 में से अगर 50 भी लोग देंगे तो पर डे के 25,000, महीने के 7,50,000, वाह भाई मैं तो जल्दी करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। पिछले इस अगस्त में 25 दिन में 2 लोगों ने फीस डाली है मुझे, सिर्फ 2 लोगों ने, ठीक है साथियों, ये स्थिति है। आप लोगों की सब कुछ, आपको वीजा वगैरह जो पीछे बताया सब कुछ फ्री में दे दो, आप लाख रुपए एजेंट ले रहा है मुझे कोई परवाह नहीं, आपके 500 रुपए मैं नहीं दे सकता, मेरे लिए बहुत बड़ी रकम हो जाएगी, समझ रहे बात को। तो साथियों मुझे खुशी है इस बात की, मुझे कोई दिक्कत नहीं आप 500 रुपए न दें, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आपके कॉल आने बंद हो जाते हैं। एक बंदा 5 दिन से लगातार मैसेज पे मैसेज कर रहा है, जैसे मैंने 500 रुपए का मैसेज डाला उसके ब्रेक लग गया, चाबी ब्रेक लग के जाम हो जाता है, फिर ब्रेक वापस ओपन ही नहीं होता, दोबारा बंदे का मुड़ के कॉल मैसेज नहीं आता, क्योंकि 500 रुपए लगते ही ब्रेक लग जाता है, क्योंकि जब वो बात करेगा तो फीस देनी पड़ेगी, फीस वो देना नहीं चाहता। तो मैं इस बात के खुश हूं कि पर डे मेरे महीने के 3,000 नंबर ब्लॉक हो जाते हैं ऑटोमेटिक, 3,000 एवरेज जो मैसेज करते हैं ना उनको पता भी है इस बात का। मैं हर चीज प्रैक्टिकली बोलूंगा, जो लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैं मैसेज करता हूं मेरी फीस का, तो वो ब्रेक हो जाते हैं, दोबारा वो कॉल मैसेज वगैरह कुछ नहीं करते, क्योंकि 500 रुपए बहुत बड़ी रकम हो जाती है। तो साथ ही इस बात को थोड़ा सा दिमाग से निकाल दें कि आप लाख रुपए खर्च करके जा रहे हो यार 500 रुपए में, अफसोस होता है मुझे। आप
मतलब स्थिति यह आ जाती है कुछ बंदों की कि मलेशिया में बंदे फंसे पड़े हैं, इमिग्रेशन ने पकड़ लिया, एजेंट लाख रुपए मांग रहा है छुटवाने के लिए, यहाँ से इनके घर वालों के कॉल आते हैं, सर हमारा बंदा फंस गया क्या करें। मैं बोलता हूँ आप 500 रुपए फीस जमा कराओ, मैं पूरी डिटेल से आपकी हेल्प भी कर दूंगा, बंदा कैसे बाहर निकलेगा पूरी डिटेल से दे दूंगा, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा फोन नहीं आता, वो लाख रुपए एजेंट को दे देते हैं, 500 रुपए यहाँ पे नहीं देते। तो ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि ये जो फालतू की दिमाग में है कुछ की अब सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, दिमाग से थोड़ा निकाल दें, कुछ भी नहीं मिलेगा। चाहे आप अपना लॉस खुद का लॉस कर सकते हो, लेकिन फ्री में कुछ मौत भी नहीं आती भैया, ठीक है ना। तो इसीलिए वीडियो मुझे डालना पड़ा। कम से कम मैं खुश इस बात का हूँ कि कॉल ब्रेक हो जाता है। वैसे डालता हूँ व्हाट्सएप पे, कॉल से ज्यादा मैं व्हाट्सएप से दुखी होता हूँ। व्हाट्सएप पे लोग, क्योंकि मेरा फोन 24 घंटे ऑनलाइन रहता है, तो ऑनलाइन देखते ही टक 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 मैसेज करते रहते हैं। जैसे मैंने मेरा मैसेज बम डाल दिया, मान लो ग्रुप में बम चला गया, मैसेज आते बम हो गया, फिर वो फूट जाता है, दोबारा कॉल नहीं आता, ठीक है साथी। ये मेरे विचार थे, आप लोगों के साथ रखे। आपको ये मेरे विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि इस पे भी मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से ये बना सकूं, ठीक है साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।